नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मोटरबर्ग। तो आज इस वीडियो के अंदर ना मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन बिटवीन मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड मारुति वैगनर। दोनों ही कार दोस्तों आपको 6 to 7 lakh के बजट के हिसाब से मिल जाते हैं और काफी सारे लोगों के मन में दुविधा रहती है कि यार इनमें से कौन सी हम कंसिडर करें। अभी देखो, एक कार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मानी जाती है और एक कार जो है वो ड्राइवेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा सही मानी जाती है। अभी इनमें से कौन सी खरीदे उसके बारे में अगर आपके मन में डाउट है तो जरूर से आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी देखो, सबसे पहले कार खरीदने का जो डिसीजन होता है ना वो आपके रिक्वायरमेंट पर सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको अपने रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं होगा तो बाद में जाकर जो है आप रिग्रेट करेंगे। तो आपके रिक्वायरमेंट के बेस पर जो है इस वीडियो में मैं इन दोनों ही कारों को कंपेयर करूंगा, वो भी बहुत ही प्रैक्टिकली। तो इसलिए वीडियो को जरूर से पूरा देखना, पसंद आती है वीडियो तो लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। अभी सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आता है ना वो है एक्सटीरियर। अभी देखो, एक्सटीरियर में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लुक्स, बिल्ड क्वालिटी एंड गाड़ी की जो डायमेंशन है वो भी यार बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कुछ लोगों के लिए। सबसे पहले लुक्स के हिसाब से मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बिकॉज लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं। हो सकता है कि किसी को जो है स्विफ्ट के स्पोर्टी लुक ज्यादा पसंद आए, हो सकता है कि वैगनर के जो एक प्रैक्टिकल लुक्स है वो किसी को ज्यादा पसंद आए। तो दोनों में आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। पर्सनली मुझे स्विफ्ट का लुक ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यार काफी स्पोर्टी एंड काफी प्रोपोर्शनल डिजाइन आपको हर एंगल से देखने को मिल जाता है स्विफ्ट के अंदर, एंड एक टाइमलेस डिजाइन है। मतलब कुछ सालों बाद भी अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे ना तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये आउटडेटेड हो चुका है इसका डिजाइन। वही अगर मैं बात करूँ वैगनर की, तो वैगनर में ना आपको थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन मिलता है। तो एक सिंपल फैमिली कार है एंड इसका पर्पज ही एक फैमिली कार के हिसाब से, तो ज्यादा लुक्स के हिसाब से फोकस नहीं किया मारुति ने। तो लुक्स आपके ऊपर है, आपको कौन सी ज्यादा पसंद है जरूर से आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बिल्ड क्वालिटी या दोनों की काइंड ऑफ सिमिलर है, बिकॉज दोनों ही कारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो कि है हार्टेक प्लेटफॉर्म। बाकी जो सेफ्टी है वो दोनों के अंदर उतनी अच्छी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे स्लाइटली स्विफ्ट मार्जिनली मुझे थोड़ी बेहतर लगी कंपेयर टू दी वैगनर। जो दरवाजे, बिकॉज डोर्स एंड बोनेट का जो वेट है ना वो स्लाइटली मुझे ज्यादा लगा। मैं पर्सनली दोनों को टेस्ट कर चुका हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सो बिल्ड क्वालिटी वाइज मार्जिनली मुझे स्विफ्ट थोड़ी बेहतर लगी कंपेयर टू दी वैगनर। इसके अलावा डायमेंशन वाइज आपको पता है, रियल लाइफ में अगर आप दोनों ही कारों को देखेंगे एक साथ तो वैगनर जो है कई गुना ज़्यादा बड़ी लगती है कंपेयर टू दी स्विफ्ट। तो अगर आपको डायमेंशन बड़ी चाहिए, अगर आपको बड़ी गाड़ी वाला एक लुक चाहिए, सो डेफिनेटली वैगनर आपको काफी पसंद आने वाली है। तो ये था एक्सटीरियर की रिगार्डिंग। अभी चलिए अंदर की बात कर लेते हैं जो कि है इंटीरियर। इंटीरियर लुक्स के हिसाब से आपको स्विफ्ट में ना अगेन काफी स्पोर्टी सा लुक मिलता है। सर्कुलर थीम आपको फुल इंटीरियर में देखने को मिलेगा एंड इसमें ना कोई ड्यूअल टोन ऑप्शन नहीं आता, इट इज कम्प्लीटली ऑल ब्लैक। एंड मुझे पर्सनली स्विफ्ट का इंटीरियर बहुत पसंद है। वैगनर के अंदर आपको सिंपल सा क्लासी लुक मिलता है इंटीरियर में विद ड्यूअल टोन, एंड मुझे पर्सनली ये लुक उतना पसंद नहीं आया। इसके अलावा इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं, सो इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी वाइज स्विफ्ट इज वे बेटर। मतलब स्विफ्ट की जो प्लास्टिक क्वालिटी है, जो फिट फिनिश है, वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी है कंपेयर टू दी वैगनर। वैगनर की जो प्लास्टिक है तो काफी ज्यादा लचीली सी फील होती है। सेकेंडली फिट फिनिश के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होने बाकी है। अगर आप गाड़ी को 2 साल के लिए खराब रस्तों में, विलेज एरियाज में चलाएंगे तो डेफिनेटली इसका जो इंटीरियर है ना वो पूरा बजना शुरू हो जाएगा। मतलब साउंड आना, रैटलिंग साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो ये था दोस्तों यहाँ पर लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी की रिगार्डिंग। अभी चलिए बात कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी के बारे में। प्रैक्टिकलिटी दोस्तों बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज कुछ लोग जो है कार ना एज अ बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं, फैमिली पर्पज के लिए यूज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यार अकेले चलाने के लिए, मतलब घर से ऑफिस अगर उनको अकेला जाना है तो उसके लिए वो गाड़ी यूज करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना प्रैक्टिकलिटी के अंदर क्या आता है, स्पेस आता है। तो स्पेस के हिसाब से कौन सी बढ़िया है, डेफिनेटली वैगनर। वैगनर में जैसा कि मैंने बताया कि आपको तो देखो, अगर आपकी हाइट ना 6 feet या फिर उससे भी थोड़ी सी ज्यादा है ना, तो वैगनर के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है स्पेस के हिसाब से। चाहे अगर मैं बात करूँ हेडरूम की या फिर अगर मैं बात करूँ लेग रूम की, इवन जो गाड़ी की विड्थ है ना वो भी आपको काफी डिसेंट मिल जाती है, जिसकी वजह से पीछे की सीटों में लगभग 3 लोग जो है वो आराम से बैठ सकते हैं वैगनर के अंदर। एंड इवन जो बूट स्पेस है ना वो भी यार वैगनर के अंदर आपको काफी बड़ा सा मिल जाता है। 3 बड़े जो बैग्स है ना उसको आप आराम से रख सकते हो इस गाड़ी के अंदर। सो ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि स्पेस वाइज अगर आपको एक प्रैक्टिकल कार चाहिए तो वैगनर आपको काफी पसंद आने वाली है। स्विफ्ट के अंदर भी आपको स्पेस काफी डिसेंट मिलता है, आप आराम से बैठ सकते हो इवन अगर आपकी हाइट 6 feet है तो, पर स्टिल यार हेडरूम में थोड़ी दिक्कत लगेगी और पीछे की सीटों में ना लगभग 2 बड़े और एक बच्चा जो है तभी आराम से बैठ पाएगा। इवन जो बूट स्पेस है वो भी आपको लगभग 268 लीटर्स का मिलता है, तो
उतना ज्यादा स्पेस नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा इनग्रेस एंड ईग्रेस जो है वो भी आपको वैगनर के अंदर काफी सही मिलता है। सिंस वैगनर एक बड़ी गाड़ी है, मतलब ये एक टॉलबॉय डिजाइन कार है, इसके अंदर उतरना बैठना बहुत ही ज्यादा आसान है। वही स्विफ्ट के अंदर ना उतरने बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, झुक कर आपको बैठना पड़ेगा, झुक कर ही आपको उतरना पड़ेगा। एंड जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना तो वैगनर एक छोटी सी एसयूवी जैसी फील होती है, बिकॉज इसके अंदर थोड़ी अपराइट सीटिंग है। वही जो स्विफ्ट है ना वो ऐसा फील होता है कि यार आप किसी गड्ढे के अंदर बैठे हो। तो यहाँ पर जो सीटिंग पोस्चर है ना वो भी बहुत सारे लोगों के लिए मैटर करता है, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको ना एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें ना थोड़ी अपराइट सीटिंग हो, जो कि थोड़ी कंफर्टेबल हो। लेकिन स्विफ्ट के अंदर ना आपको थोड़ी स्पोर्टी सीटिंग मिलती है, काफ़ी नीचे सीटिंग मिलती है, जो कि यार यंगस्टर्स को ज़्यादातर पसंद आती है, बट स्टिल यार बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो उसको ज़्यादा प्रिफर नहीं करते। तो ये था स्पेस के रिगार्डिंग। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली अगर आप विलेज एरियाज में ज़्यादा चलाते हो। तो देखो दोनों ही कार जो है वो विलेज एरियाज के लिए, खराब रस्तों के लिए ज़्यादा प्रिफर नहीं किए जाते हैं, बट स्टिल अगर आप इन दोनों में से लेने वाले हो तो स्विफ्ट ना आपको मार्जिनली थोड़ी अच्छी फील होगी, बिकॉज इसके अंदर ना आपको लगभग 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, एंड वैगनर के अंदर आपको मिलता है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। भले ही केवल 5 mm का डिफरेंस हो, लेकिन ये जो 5 mm है ना ये स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर ना बहुत ही बड़ा डिफरेंस लाता है, स्पेशली जब आपकी गाड़ी कंप्लीटली लोडेड होती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस मार्जिनली आपको स्विफ्ट के अंदर अच्छी मिलेगी। इवन जो टायर्स है ना वो आपको स्विफ्ट के ऊपर वाले मॉडल्स के अंदर 15 इंचेस के देखने को मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रैक्टिकलिटी की रिगार्डिंग। अभी चले आते हैं कंफर्ट के बारे में। कंफर्ट अभी किस गाड़ी में ज्यादा आपको अच्छा मिलेगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि वैगनर के अंदर ना आपको थोड़ी सी अपराइट सीटिंग मिलती है और स्विफ्ट के अंदर ना आपको थोड़ी सी स्पोर्टी सीटिंग मिलती है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की सीटिंग ज़्यादा पसंद है। बाकी जो सीट्स है ना वो दोनों के बहुत कंफर्टेबल है। सामने की सीटों की कुशनिंग, बैक सपोर्ट, थाई सपोर्ट दोनों ही कारों का मुझे काफ़ी सही लगा। पीछे के जो सीट्स है ना मुझे पर्सनली वैगनर के थोड़े अच्छे लगे, बिकॉज कुशनिंग थोड़ी अच्छी है, साथ में थाई सपोर्ट भी थोड़ा सा अच्छा मैनेज किया गया है वैगनर के अंदर। एंड जैसे कि मैंने बताया बाकी स्पेस वगैरह भी वैगनर के अंदर काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। अभी देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से ना दोनों ही कार आपको काइंड ऑफ सिमिलर देखने को मिलेंगे, बिकॉज दोनों ही कारों के अंदर ना आपको सेम इंजन मिलता है, 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर ना पावर वगैरह आपको सेम मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको वैगनर के अंदर ना एक एक्स्ट्रा इंजन ऑप्शन मिलता है जो कि है 1 लीटर का ड्यूअल जेट इंजन। तो इसकी ना प्राइस थोड़ी कम है, बट स्टिल यार अगर आपका बजट 7 लाख के हिसाब से, तो डेफिनेटली आपको 1.2 लीटर वाला जो इंजन है उसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज यार आपको ना पावर ज़्यादा मिलती है एंड ओवरऑल जो रिफाइनमेंट है ना वो भी आपको 1.2 लीटर वाले इंजन में ज़्यादा अच्छी मिलती है। बाकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ तो फ्यूल एफिशिएंसी भी यार दोनों में काइंड ऑफ सिमिलर है, काफ़ी अच्छी भी है। तो 23-24 KMPL के आसपास कंपनी क्लेम करती है और इतनी जो एवरेज है वो आप आराम से निकाल सकते हो दोनों ही कारों के अंदर, अगर आप हाईवेज में एक प्रॉपर ड्राइविंग हैबिट को मेंटेन करके चलेंगे तो। और गेयरबॉक्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एज वेल एज 5 स्पीड का AMT मिल जाता है। दोनों का गेयरबॉक्स यार काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एंड इवन जो AMT में जो परफॉर्मेंस है ना वो भी आपको बहुत ही सही देखने को मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों गेयरबॉक्स एंड परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। अभी चलिए बात कर लेते हैं एक्चुअल डिफरेंस के बारे में, जो कि एक्चुअल में इन दोनों ही कारों को काफ़ी हद तक डिवाइड करता है, जो कि है ड्राइविंग डायनेमिक्स। ड्राइविंग डायनेमिक्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं, वैगनर में ना आपको वन ऑफ द वर्स्ट ड्राइविंग डायनेमिक्स मिलते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी गाड़ी है कि यार जिसको अगर आप चलाएंगे ना हाईवेज में ऐसा फील होगा कि यार आप किसी बस को चला रहे हो, बिकॉज ना इसके अंदर इतना ज्यादा बॉडी रोल है, इतना ज्यादा ये अनस्टेबल फील होती है कि ऐसा लगेगा कि यार गाड़ी पूरी ऐसी पलट जाएगी। तो मान लो कि यार अगर आप हाईवेज में 60-70 की स्पीड में जा रहे हो और थोड़ा सा अगर आप कॉर्नरिंग करते हो ना, तब गाड़ी ऐसा फील होता है कि यार पूरी ऐसी पलट जाएगी, बिकॉज इसके अंदर ना बॉडी रोल इतना ज्यादा भरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। अभी इसका जो मेन रीजन है वो है इसके डायमेंशंस। वैगनर के अंदर ना आपको हाइट काफी ज्यादा मिलती है, बॉक्सी शेप है इसका, एंड सेकेंडली गाड़ी लाइट वेट भी है, इसका जो सस्पेंशन है वो भी आपको सॉफ्टर साइड में मिलता है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से जब आप गाड़ी को ऐसे पूरा हाई स्पीड में कॉर्नरिंग वगैरह इसमें करेंगे तब जो है इसमें बॉडी रोल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो स्टेबिलिटी वाइज वैगनर मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, सिटी पर्पस के लिए गाड़ी ठीक ठाक है। बाकी स्विफ्ट के अंदर यार स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा सही है, मतलब अगर आप हाई स्पीड में भी इसमें कॉर्नरिंग करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स के हिसाब से मैं ये नहीं कहना चाहता कि स्विफ्ट सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेस्ट है, बट स्टिल अगर मैं कंपेयर करता हूँ वैगनर से तो वैगनर से ये फार बेटर है, मतलब फार 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 बेटर है। बाकी हैंडलिंग भी दोस्तों मुझे स्विफ्ट के अंदर काफी सही लगी, मतलब हाई स्पीड में भी अगर आप गाड़ी को चलाते हो तब भी हैंडलिंग आपको काफी कमाल की मिलती है।
तो ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स के हिसाब से डेफिनेटली मैं स्विफ्ट को प्रिफर करूंगा, और अगर आपकी रनिंग ना मोस्टली हाईवेज में है डेफिनेटली आपको स्विफ्ट जो है उसको प्रिफर करना चाहिए। सिटीज में है तो आप दोनों ही कारों को प्रिफर कर सकती हूँ। बाकी राइड क्वालिटी की बात करूँ तो राइड क्वालिटी दोनों की काफी सही है, दोनों के अंदर आपको सॉफ्ट साइड वाले सस्पेंशन मिलते हैं, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब खराब रस्तों में अगर आप गाड़ियों को चलाएं, दोनों ही कारों को चलाएंगे, तो काफी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी आपको मिलेगी दोनों के अंदर। तो ये था दोस्तों जो कि मैं आपको बताना चाहता था दोनों ही कारों की रिगार्डिंग। अभी देखो दोनों ही कारों के बीच में सारे फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया, अभी कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले वैगनर किन लोगों को खरीदनी चाहिए, तो देखो अगर आपके रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे है कि सिटीज में अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, और अगर आपको फैमिली पर्पज के लिए कंफर्टेबल कार चाहिए, अगर आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, बिजनेस के लिए अगर आप कार लेना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन गो विद वैगनर। वैगनर काफ़ी प्रैक्टिकल कार है, एंड इसलिए मैंने वीडियो का टाइटल रखा था एज ड्राइवेबिलिटी वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, बिकॉज इसके अंदर ना आपको प्रैक्टिकलिटी, वैगनर के अंदर ना आपको प्रैक्टिकलिटी काफ़ी कमाल की मिलती है। बाकी दोस्तों स्विफ्ट उन लोगों को लेनी चाहिए जिनकी रनिंग हाईवेज में या फिर हाईवे प्लस सिटी मिक्स कंडीशन में ज़्यादा है, या फिर अगर आप हिली रीजन्स में भी ज़्यादा चलाते हो, डेफिनेटली गो विद स्विफ्ट। स्विफ्ट चलाने के हिसाब से यार बहुत ही ज़्यादा सही कार है, एंड अगर आप अकेले बंदे हो, मतलब नॉर्मल घर से ऑफिस जाने के लिए अगर आपको एक कार चाहिए, देन यू कैन गो विद स्विफ्ट। तो ये था कंप्लीट कंपैरिजन जो कि मैं करना चाहता था इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे अगर आप और कंपैरिजन देखना चाहते हो जरूर से लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।